नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा में पारित हुए राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया चर्चा का जवाब, कहा प्रावधानों से और बढ़ेगी आयुष चिकित्सा पद्धति की विश्वसनीयता। कागजी शिक्षण संस्थानों पर भी होगी कार्रवाई। राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा। सदस्यों ने छोटे उद्योगों को पूंजी प्रौद्योगिकी और सहयोग उपलब्ध कराने पर दिया जोर, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना बाकी। संसद परिसर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए एहतियाती उपाय। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को दी जानकारी। सदस्यों ने की परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने और दूरदराज के इलाकों में हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क पहुंचाने की मांग। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 को आज राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। उच्च सदन में लंबी चर्चा के बाद इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि होम्योपैथिक और भारतीय आयुर्विज्ञान से शिक्षा के लिए जरूरी नियामक में आयोग सुधार और पारदर्शिता आएगी। ये विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी। ये संशोधन होम्योपैथिक शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। कई सदस्यों ने कहा है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ इस मेडिसिन का इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये काम आयुष ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। कहीं जो बड़े हॉस्पिटल है, एम्स होंगे या दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ इंटीग्रेशन का ऑलरेडी शुरू हुआ है। आखिर इस मेडिसिन सभी का हमारा प्रयास किसके लिए है? तो पेशेंट है तो जल्दी ठीक होना चाहिए। इसीलिए ये प्रयोग सभी जगह अभी थोड़े थोड़े इसमें चालू हुआ है। हमारे जो आयुष नाम की स्कीम है उसमें भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी सभी तरह के डॉक्टर बैठते हैं। जिसको जो पैथी चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए वो लेके हो जाता है। और इंटीग्रेशन का जमाना अभी शुरू हुआ है। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सांसदों ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी शिक्षा को लेकर अपने सुझाव सदन में रखे। अच्छी दवाएं जब तक नहीं होंगी तब तक उन दवाओं से लोगों को, मरीजों को लाभ नहीं होगा, और जब तक मरीजों को लाभ नहीं होगा तब तक उस दवा की या उस चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता नहीं होगी। हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आउट ऑफ 29 मेंबर्स ओनली 6 रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स। होम्योपैथी आउट ऑफ 20 मेंबर्स ओनली 5 रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स। Health is a state subject. Medical education is a concurrent subject. You have to give equal responsibility to the states in this area. मैं निवेदन करना चाहूंगा इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान करें कि आयुष के डॉक्टर को अगर एलोपैथिक डॉक्टर कम नजर से देखते हैं, कम नजर से आंकते हैं, तो सरकार उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करने का प्रबंध करे, उनको किसी भी कीमत पे झोला छापना कहा जाए। 157-3। एक तो वैसे ही बेरोजगारी का आलम बहुत बहुत भयावह है, कोहराम मच रहा है। आप लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर रहे हैं। अरे क्या बिगाड़ा, उनको कहीं समायोजन करिए, बोर्ड में कहीं भी नई चीज बनाए उसमें रखें, उनके मद्देनजर आपको सोचना होगा। माय सीनियर कोलीग ये मिस्टर जयराम रमेश सजेस्टेड it requires an integrated medical education system. I support the same. Unless that system is being introduced, the purpose and the objects of the bill may not be fulfilled. 52 का आपको होम्योपैथी के बारे में जो बिल है वो 52 आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट करके
उसमें ये इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार जो है उनको उन डॉक्टरों के पैरेलल उनको व्यवस्था देना होगा, ताकि उसके पैरेलल देखे कि गरीब लोग वहाँ सस्ता दवाई लेने के बाद उसका इलाज बढ़िया होता है और महंगा इलाज जो हम केमिकल दवाई लेके करते हैं वो थोड़ा हमको महंगा पड़ता है, इसलिए लोगों का डाइवर्सन उधर हो। ये छोटी छोटी चीज़ें इसके विकास के लिए आवश्यक हैं। द न्यू लेजिस्लेशन विच वी आर एनएक्टिंग नाउ इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव बट इट टचेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। व्हेन वी थिंक अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वी शुड नॉट फॉरगेट नेचुरोपैथी एंड योगा। द बिल इज साइलेंट अबाउट नेचुरोपैथी एंड योगा सर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं और धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को इससे बेदार किया जाए और लोगों के को इसके प्रति सजग किया जाए। राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। डीएम के सांसद टीकेएस एलएन गोवन ने चर्चा की शुरुआत की। कई दलों के सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने विचार सदन के समक्ष पेश किए। इस दौरान छोटे उद्योगों को पूंजी, प्रौद्योगिकी और सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। चर्चा पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना अभी बाकी है। The major problem with the MSME is that they need funds. They need funds for upgradation of technology. They need funds for marketing. They need funds for training their people. But this government is not, the banks are not willing to fund these MSMEs. MSME sector ko interest ka laabh mil, thoda income interest rate hona chahiye. उसके बारे में सरकार ने एक निर्णय लिया नवंबर में कि 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी देने का काम मोदी सरकार ने काम किया है। इसके अलावा जो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में भी पहले 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी होती थी, अब 5% का उसमें देने का काम बढ़ाने का काम यह सरकार ने किया है। द क्रेडिट सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ ऑल द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय एमएसएमईज, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली एंड लो इंटरेस्ट क्रेडिट इज द बिगेस्ट हर्डल सर। Despite this, budgets have been slashed by a whopping 83.25% from rupees 597 crore to just rupees 100 crores. The turnover should be for audit has been proposed to raise from the existing 1 crore to 5 crores. But there is one condition. The increased limit shall apply only to those business which carry out less than 5% of their business transaction in cash. किस तरीके से हम अपने युवाओं का जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है उनका इस्तेमाल कर पाएंगे, और किस तरीके से जो बैंक हैं, सर हर गांव के अंदर लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का निर्माण रुक गया। सर अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो गृहिणियाँ हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो थोड़े पैसे बचाते थे, सर वो कैसे उस पैसे को स्थानीय बैंकों में डाल करके उनकी सेविंग्स हो और वो इस एमएसएमई के काम आ पाए, हमारी प्रोडक्शन सिस्टम के काम आ पाए। राज्यसभा में आज फिर कोरोना वायरस का मुद्दा उठा। शून्यकाल से पहले सदस्यों ने कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने जांच की वजह से देरी और मास्क का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सांसदों के जुनून और जज्बे से बाहर एक अच्छा संदेश जाएगा। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरा संसद परिसर कीटाणु मुक्त किया गया है, जगह जगह लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर रखे गए हैं, साथ ही दूसरे उपाय भी किए गए हैं। The temperature checking is being done at the boom barrier. As a result, there's a huge traffic jam. There are 3-4 people in every vehicle, and there are half a kilometer long queues there. It took me 15 minutes to cross the boom barrier. It should be done at the entry gate. It does not make any. I take note of your point. And also, what the honourable member has said, I fully associate. We are telling the entire country for social distancing, and if we do not do it here, it does not make right. आज 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों में एक जुनून भी है, जज्बा भी है कि इस वायरस से लड़ना है।
अगर हम इस सदन के अंदर बैठ करके हमारा मिजाज जो है इसमें लड़ने का इस जुनून और जज्बा नहीं दिखेगा और हम उसमें पैनिक करेंगे तो निश्चित तौर से वो देश के हित में नहीं है। We have sanitized the entire parliamentary complex, just for information. Second, these hand sanitizers have been kept at various places. Third, time to time, all the necessary arrangements also will be made. If, in addition to this, if members have any suggestions, they can convey to the secretariat or they can convey to the chairman about the need to take some more steps as far as the sanitation and the required measures are concerned. I leave to the members. शून्यकाल के दौरान भी राज्यसभा में कई सदस्यों ने कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों को उठाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने परीक्षण केंद्र की संख्या बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस के रिपुन बोरा ने दूरदराज के इलाकों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराने की मांग की। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए दिल्ली और भारत भर में परीक्षण केंद्रों की भारी मांग है। यह वायरस दुनिया भर में फैल गया है और भारत की भारी आबादी को इस संक्रमण का खतरा है। हमें दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों से परीक्षण मॉडल को अपनाना होगा जो ड्राइविंग इन परीक्षण केंद्रों की तैनाती कर रहे हैं। सरकार को एक वास्तविक समय पोर्टल बनाना चाहिए और इसे कुल राज्यवार सकारात्मक COVID-19 मामलों के साथ अद्यतन रखना चाहिए। In the entire country, not to speak of only in metropolitan cities, even in the remote areas also, there is acute scarcity of soap and acute scarcity of masks and sanitizers. And some unscrupulous sellers, they have taken the advantage of this, taking exorbitant rate from the public. So now my suggestion to the government and more particularly to the Ministry of Health, to monitor, closely monitor the situation in the entire country so that sufficient stock is maintained. पटना में जो एम्स खोला गया है महोदय, उसमें सही व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग जो है दिल्ली एम्स में आकर के अपना इलाज कराते हैं और परिवार एवं कल्याण जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में जो पेश की थी उसमें बहुत सारी कमियों को उन्होंने उजागर किया था और उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक वहां की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई हो पाई है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि वहां जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा किया जाए। और इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही पूर्व सदस्य और पत्रकार पुटप्पा पाटिल को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। 1922 में जन्मे 98 साल के पुटप्पा का निधन सोमवार रात हुआ था। पुटप्पा पाटिल दो बार राज्यसभा के सांसद रहे। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Puttappa Patil, a former member of this House, on the 16th of March 2020 at the age of 98 years. Born in 1922 at Haveri town in Dharwad district of the erstwhile state of Bombay, present-day Karnataka, Sri Patil penned more than 50 books and also is the recipient of several awards including Karnataka Rajyotsav Award, TSR Award, Nadoza Award and Rupatunga Award. Sri Puttappa Patil represented the erstwhile state of Mysore in this house consecutively for two terms from April 1962 to April 1968 and again from April 1968 to April 1974. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।